हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और आज एनवायरमेंटल कन्वेंशंस का हमारा थर्ड लेक्चर है। सो पहले दो लेक्चर्स में हम एक तरह से टाइमलाइन को देखते हुए ये सारे जो कन्वेंशंस हैं, स्पेशली और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, इनको पढ़ रहे हैं। बिकॉज एग्ज़ाम में जो रिसेंट ट्रेंड एनालिसिस है उससे हमको यही मालूम चलता है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स as well as your mains। अगेन एंड अगेन I'm repeating कि मेन्स में इस बार ही आप देखेंगे दो इस तरह के कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स आए। प्रोटोकॉल्स यू कैन से गोटनबर्ग आया, देन आपका क्योटो भी आया। सो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए, आई होप आई एम विजिबल, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। एनीवे, सो दिस इज़ हियर यू कैन रीड अबाउट मी एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। PDF के साथ साथ छोटा मोटा ज्ञान, कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी UPSC का प्रिपरेशन आप इजी कर सकते हैं इफ़ यू जॉइन अनअकैडमी। वाई? बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारा चॉइस मिलता है एडुकेटर्स का कि आपको जिससे पढ़ना है आप पढ़िए। आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उसकी क्लास जो है वो देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे। और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये जो डिस्काउंट है ना 20% वाला, वो हमेशा नहीं होता। फ़िलहाल चल रहा है 26 to 30 सितंबर तक चलेगा। सो यू कैन यूज़ दिस कोड VIROUPSC टू गेट 20% ऑफ। और इफ़ यू वॉन्ट कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए और मेरे को टेलीग्राम पर बताइए कि आपने यूज़ किया, सो दैट वी कैन कनेक्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो बैच अभी देखिए 29 से ही हमारा लेटेस्ट बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो आप इसमें आइए, इसमें एनरोल कीजिए। बैच में एनरोल करने से आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपका एक टाइम टेबल बन जाता है। जैसे हम स्कूल जाते थे तो हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल है, हम ईजिली पढ़ लेते हैं। हमें पता रहता है कि सिलेबस कब और कैसे कवर करना है, तो दैट कैन बी ईजिली कवर्ड। अब मेन्स टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चल रही है, सो मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मॉक्स आपके ऑब्जेक्टिव हो गए या सब्जेक्टिव हो गए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। Then you have two kind of subscriptions on Unacademy Plus and you have Iconic। अब Iconic में बहुत सारे benefits हैं जो Plus में नहीं है। Iconic में जैसे आपको mentor दिया जाता है, live mentorship मिलती है कि कैसे prepare करें, daily MCQs, chat based doubt solving, physical notes भी आपको यहाँ पे Iconic के साथ दिए जाते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, जिन भी लोगों ने कमेंट किया है। नाउ सी UNECE वाटर कंजर्वेशन, ये क्या है? अब जितने भी हम कन्वेंशंस अभी तक पढ़ रहे हैं हमने अलग अलग पढ़े। दिस इज़ अनदर वाटर कन्वेंशन जो 17 मार्च 1992 को साइन किया गया था। ये कन्वेंशन किसके बारे में है? ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेस। ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेस, देखिए, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी एक से बिलोंग नहीं करता। इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स। अब एक देश, जैसे अपस्ट्रीम से पानी नीचे डाउनस्ट्रीम आ रहा है, ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि एक देश यहाँ पे है, एक देश यहाँ पे है। अगर पहला वाला देश ही सारा पानी यूज़ कर लेगा तो दूसरे देश को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इस पे हक नहीं जता सकते ना, इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स। तो इस तरह से जो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज हैं, क्योंकि आपके पॉलिटिकल मैप्स जो हैं दे आर फॉर द पीपल, दे आर टू गवर्न द पीपल। लॉ इज़ फॉर पीपल, नॉट फॉर द एनिमल्स, नॉट फॉर द बर्ड्स, नॉट फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। सो उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करें, उस पर ये कन्वेंशन है। इंटरनेशनल, ये आपका ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज और इंटरनेशनल लेक्स को लेकर, सो वी कॉल इट वाटर कन्वेंशन। 17 मार्च 1992 को इसको लाया गया। अब ये जो कन्वेंशन है, अगेन यू नो फुल नाम इसका मैं बार बार नहीं बोलूँगी, इसको अडॉप्ट किया गया। हमेशा हम एक कन्वेंशन के दो डेट्स पढ़ते हैं, जिस ईयर में वो अडॉप्ट किया जाता है, जिस ईयर में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। सब देश उसको रैटिफाई कर देते हैं, वो इट जस्ट केम इन टू फोर्स, एंटर इन टू फोर्स। तो फोर्स में आया 1996 में। ओके, सो कन्वेंशन जो है ये एक लीगली बाइंडिंग, दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन इज़ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। लीगली बाइंडिंग है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज है, उसको प्रमोट करता है कि ऐसा ना हो कि एक देश पूरा यूटिलाइज करे, दूसरे देश को ब्लेम कर दे। सो दे सेट पर्टिकुलर टारगेट्स एंड रूल्स फॉर ईच अदर कि किस तरह से इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना। अदरवाइज आप देखें एक देश में भी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर डिस्प्यूट्स रहते हैं, बट हाउ एवर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज कि उनको कैसे गवर्न करना है और पीस ताकि बना रहे, रीजनल इंटीग्रेशन बनी रहे। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि मैंने आपको बताया कुछ कन्वेंशंस आपके लीगली बाइंडिंग होते हैं, अगर हमने उनको साइन किया है तो और रेटिफाई नहीं किया है तो उन पार्टीज़ पे यूजुअली वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। आप मुझे बताइए वो पार्टीज़ जो उसको रेटिफाई करते हैं और उसको फॉलो नहीं करते तो लीगली बाइंडिंग पे उन पे क्या एक्शन लिया जाएगा, उसका क्या मतलब है। लीगली बाइंडिंग है तो आपको तो लीगली उनको पूरा करना है, लेकिन आपने उसको रेटिफाई किया लेकिन आज आप उसको नहीं मान रहे, उसके जो टारगेट्स हैं या जो भी काम है आप दूसरे देश को नुकसान पहुँचा रहे, उनको फॉलो नहीं कर रहे, सो उसका क्या रिपरकशन होगा, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। हम आगे तब तक ये देखते हैं। सुनील, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, गो इनटू द सेक्शन, प्लेलिस्ट वाला जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मेरा एक और प्लेलिस्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, वो भी अलग से बना हुआ है। यू विल फाइंड ऑल द प्लेलिस्ट हियर, डोंट वरी। सो ये कन्वेंशन ओरिजिनली अगर आप देखेंगे इस फ्रेमवर्क को, जब इस पर नेगोसिएशंस बातचीत शुरू हुई तो पूरा यूरोपियन रीजन जो है बैठा कि ओरिजिनली इसको नेगोशिएट करेंगे हम, और उसके बाद अमेंडमेंट्स आते हैं कि प्रोसीडियर कैसे चेंज होगा। 2016 ऑल यूएन मेंबर्स ने इसको माना। अब देखिए जैसे चाड और सेनेगल है, ये पहले फर्स्ट अफ्रीकन पार्टीज़ बने थे 2018 में इस कन्वेंशन के, उसके बाद घाना ने 2021 में इसको ज्वाइन किया, देन फॉलोड बाय गिनी बिसाओ एंड टोगो इन 2021। तो लेटेस्ट 2021 तक भी कंट्रीज़ वर रेटिफाइंग इट, ज्वाइनिंग इट। ये कंट्रीज़ जो हैं, इन कंट्रीज़ का जो एक्सेशन है कुछ नई कोऑपरेशन लेके आता है सब सहारन अफ्रीकन रीजन में, किस काम के लिए, प्रिवेंशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अफ्रीका को मैं यहाँ पे स्पेशल से मेंशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अफ्रीका में अगर आप देखें बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस चल रहा है, वहाँ पे वैसे भी जो ग्राउंड वाटर आप देखेंगे उसमें इतना सारा मेटल कंटामिनेशन है, साफ़ प्योरीफाई किए बिना पानी आप वैसे ही नहीं पी सकते। एक तरह से लड़ाई ही लगी हुई है पानी को लेकर, रूरल और अर्बन डिवाइड भी इतना है पानी को लेकर स्पेशली कि बहुत बुरे हालात हैं। तो वहाँ पे हम एक तरह से कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट और रीजनल स्टेबिलिटी उस एरिया की चाहते हैं। अब ये वाटर कन्वेंशन जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है, अगर हमारा जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है, गोल्स हैं, उनको हम पूरा करना चाहते हैं। सो दिस वाटर कन्वेंशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये कन्वेंशन जो है। ओके, सो सबिया इज सेइंग नल एंड वॉइड होगा। अगेन सबिया, क्या नल एंड वॉइड होगा? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? माई क्वेश्चन इज़ कि लीगली बाइंडिंग हम बोल रहे हैं, दो देश हैं ए और बी, बी नहीं मानता और किसी तरह का नुकसान ए को पहुंचाता है। सपोज ये वाटर कन्वेंशन ही है, इसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई जो बी ने नहीं मानी, लेकिन वो साइन करके रेटिफाई कर चुका है इस कन्वेंशन को, सो व्हाट विल हैपन। ओके, अब यहाँ पे हमने जो सब सहारन रीजन की बात की, यहाँ पे आपका सेनेगल मॉरिशेनियन एक्विफर बेसिन जो है ये सबसे बड़ा बेसिन आता है अटलांटिक मार्जिन में, आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, जिसका एरिया 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अब इस रीजन पे बहुत से लोग डिपेंडेंट हैं पानी के लिए। कितने लोग? 24 मिलियन इन्हैबिटेंट्स हैं इस रीजन के, अलग अलग देशों के, जो डिपेंडेंट हैं अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस बेसिन में। और इसमें कैपिटल्स आएंगे जैसे गिनी बिसाओ, सेनेगल, या नॉर्मली अब बिसाओ दाकार बोलेंगे। 4 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, मॉरिशनिया, सेनेगल। ओके, सो दे हैव थ्रू द डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि किस तरह से इस रीजन में हम कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ इस बेसिन पे पानी के लिए डिपेंड करती हैं। तो एक ही कंट्री कहीं ज़्यादा यूज़ ना कर ले और एक कंट्री बेचारी को पानी ही ना मिले, लोग पानी के लिए भी वहाँ पे मजबूर रहें, तो इसलिए इन्होंने ये लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है कोऑपरेशन का, इसको इस्टेब्लिश किया। सो यू कैन सी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है, UNECE वाटर कन्वेंशन, उसकी लाइंस पे है, उसके आधार पे इसको बनाया गया है। 80% पॉपुलेशन इन 4 कंट्रीज़ की, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इन्होंने साइन किया है डिक्लेरेशन, वो 80% पॉपुलेशन इनकी इस पर डिपेंड करती है इस बेसिन पे। सो दिस वाटर कन्वेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, उज्ज्वल सिंह लीगली एक्शन ले सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में. येस उज्ज्वल, यू आर राइट. तो जो देश पार्टीज हैं किसी पर्टिकुलर ट्रीटी की, अब यूजुअली देखिए लीगली से ज़्यादा उनकी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस चीज़ को फॉलो करने की. सपोज नहीं कर पाते और जिस देश पे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया या नॉन बाइंडिंग रहे वो लोग, तो उनको आईसी, अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को मानते हैं तो उनको वहाँ पे ले जाया जा सकता है, उनके खिलाफ वहाँ पे जाया जा सकता है. नहीं तो आपके और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे उन पे एक्शन लिया जा सकता है. फिर एक तरह का इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाता है कि आप अपनी गलती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कीजिए. ठीक है, तो इट्स मोर अबाउट इंटरनेशनल प्रेशर एंड देन यू हैव योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड अनदर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स. Right, Ujjwal, you said very rightly. Okay, so this is the Mauritanian basin I'm talking about, जहाँ पे ये गिनी हो गया, सेनेगल हो गया, ये कंट्रीज यहाँ पे डिपेंड करती हैं कि 80% पॉपुलेशन इस बेसिन पे डिपेंड करती है. Okay, तो चलिए वाटर कन्वेंशन की हमने बात कर ली. नाउ वी हैव नेक्स्ट ट्रीटी, नेक्स्ट कन्वेंशन एट प्लेस, दैट इज़ UNCCD 1994. अब UNCCD का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन. तो जहाँ पे भी आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो डेजर्ट में तब्दील होता जा रहा है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो कम होती जा रही है, ये सब देखते हुए हम ये वाला कन्वेंशन लेके आए. ये भी एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है. हर कन्वेंशन में ये पॉइंट नोट करना, वेदर इट इज़ लीगली बाइंडिंग और नॉट. सो यू कैन रीड हियर, इट इज़ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क जो कि डेजर्टिफिकेशन और जो सूखा पड़ता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है. 197 पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन की, इंक्लूडिंग योर 196 कंट्री पार्टीज़ और एक आपका यूरोपियन यूनियन आ गया, तो टोटल पार्टीज़ आर 197. अब इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टीज़ हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं, उनका पार्टनरशिप है, डिसेंट्रलाइजेशन है, अपने देश में अलग अलग रूल्स वो बना सकते हैं. सो इट इज़ अगेन अ मल्टीलेटरल कमिटमेंट कि लैंड डिग्रेडेशन का जो इम्पैक्ट है उसको कम करना है, लैंड को प्रोटेक्ट करना है ताकि लोगों को पानी, फूड, शेल्टर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लोगों को रहे, क्योंकि जो जगह डिग्रेड होने लग जाती है वहाँ की इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है, लोगों का रोज़गार चला जाता है, खाने के लिए पानी नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलती. तो ये सब लोगों को मिलता रहे, इसलिए लैंड की वैल्यू और वो डिग्रेड ना हो, डिजर्टिफिकेशन ना हो, ये बना रहना चाहिए. तो ये कन्वेंशन जो है इसको ड्राफ्ट किया गया एंड इट वाज ओपन फॉर साइनिंग इन 1994 और 1996 में इट केम इनटू फोर्स जब 50 देशों ने इसको रेटिफाई किया कि हम लोग इसमें एंटर हो गए. सो यू हैव UNCCD. ये पूरे टॉपिक्स जो हैं दे आर वेरी वेरी, इनकी इंपॉर्टेंस में जितनी बार आपको बोलूँ ना उतनी कम है. इंटरनेशनली आप लोगों को भी पता है, वैसे तो पूरे इन्वायरमेंट का ही इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा UPSC में इंक्रीज़ हो गया है. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताता है दैट फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन. देखिए हम वैसे बोलते हैं कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, राइट, कि हम सोशल एनिमल्स हैं क्योंकि हम अपनी सुख सुविधा के लिए अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिलके काम करते हैं, चीज़ों को आसान बनाते हैं. लेकिन फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे एनिमल्स के लिए रिड्यूस होने का क्या मतलब है? आपका लैंड डिग्रेड हो गया. अफ्रीका में इस तरह के गांव हैं जहाँ पे लोगों को मीलों चल के जाना पड़ता है सिर्फ साफ पानी पीने के लिए. तो एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस रह गया कि आप घर पे पाइप्ड वाटर नहीं मिल रहा है. सो डिस्टेंस इज़ रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. इससे आप देखें कि इंटरैक्शन, अब खाने के लिए, फूड के लिए अगर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, पीपल विल ईट एनीथिंग, दे विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद एनिमल्स. अगर एनिमल से इंटरैक्शन और कुछ भी खाना लोग शुरू करेंगे तो जो आपके जूनोटिक डिजीज़ हैं, जूनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं? जिनसे जो बीमारियां एनिमल से ह्यूमन पॉपुलेशन में जंप करती है, दोज आर जूनोटिक डिजीज़ेस. ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ेस आपकी इंक्रीज होंगी. तो जून 17 को हम वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट ग्लोबली, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, UPSC sometimes don't ask such factual information, but in case you are even attempting other exams, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। जून 17 को ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ग्लोबली, ग्लोबल ऑब्जर्वेंस इवेंट है ये, इज़ बीइंग होस्टेड बाय कोरिया फॉरेस्ट सर्विस वर्चुअली, मतलब कोविड में आप देखेंगे कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने इसको होल्ड किया। तो आई होप UNCCD इसका पर्पस आपको क्लियर है कि इसको क्यों, इस कन्वेंशन को बनाया गया। लेट मी रीड व्हाट नवीन इज सेइंग। गुड इवनिंग मैडम, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज नॉन हिंदी स्टूडेंट्स वांट टू लिसन योर क्लास, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। See, I try to use language which is understandable by both Hindi and English medium students. अब Hindi students के लिए probably I cannot use the exact की desertification को क्या बोलते हैं, so Hindi students have to work a little more. अगर आप अपना vocab थोड़ा सा increase कर लेंगे, क्योंकि English is any day ऑल्सो नेसेसरी फॉर यू जितना कि हिंदी नेसेसरी है, तो थोड़ा सा आप अपना वोकैबुलरी, क्योंकि आपने हिंदी में देना है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि कुछ वर्ड्स हिंदी के टिपिकल क्या हैं वो आप लिख लीजिए, तो आपको सारा लेक्चर समझ आने लग जाएगा। एंड इवन आई एम नॉट इंग्लिश वालों के लिए तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ मच प्रॉब्लम बिकॉज PPT इज़ इन इंग्लिश, एंड मैं जितना कोशिश करती हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, दैट माई लेक्चर इज़ अंडरस्टैंडेबल टू बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश। Naveen, this was for you. Ma'am, this term means zoonotic. Yes, zoonotic. मैंने आपको बताया zoonotic diseases are those diseases which jump from animals to humans. जैसे COVID का भी हुआ, कितने सारे आपके swine flu है, कितने सारे diseases हैं which jump from human animal population to human population. These are the zoonotic diseases. Okay, जब interaction humans और animals की increase होंगी, such diseases will increase. Okay. See, now we'll see the key highlights of this UNCCD. Okay, this was what we are reading. Yes. Now, 70% of our natural ice-free land in the world is affected by human use. तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि ऐसा डेजर्टिफिकेशन कोई नया प्रोसेस नहीं है, इससे पहले भी होता था लेकिन एक नेचुरल तरीके से होता था, इट वॉज इन अ नेचुरल प्रोसेस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो दैट वाज ओके। इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, दैट इज़ फाइन, दैट वाज एट अ स्लोअर पेस। बट अब क्या होने लग गया, ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि हम लैंड की तबाही करना शुरू हो गए, वी स्टार्टेड डिग्रेडिंग द लैंड। तो आज 70% जो नेचुरल आइस फ्री लैंड है, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है वर्ल्ड में, वो ह्यूमन यूज से इफ़ेक्टेड है। हम फॉरेस्ट को भी एग्रीकल्चर और फार्म लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्लैश एंड बर्न कल्चर, हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो लैंड को क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं। सो इसलिए एक बहुत अर्जेंट नीड है कि इस पैटर्न को, ह्यूमन यूज़ जो है, जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसको चेक किया जाए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे इस सबका क्या असर पड़ रहा है। अब देखिए, हमको हर इवेंट को अलग अलग मत देखिए, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो देखिए उससे इकोनॉमीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोगों के रोज़गार पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर असर पड़ रहा है। और आपकी ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह का समय चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन, हमारे सोशल रिलेशंस भी चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। सो वी हैव टू रिवर्स लैंड यूज़ चेंज, लैंड को बचाना पड़ेगा, उसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम सस्टेनेबल यूज़ करें, आज हमारे लिए भी रहे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहे। अब लैंड डिग्रेडेशन जो है, इससे अराउंड 3.2 बिलियन लोग हैं दुनिया में जो इफ़ेक्ट होते हैं, और ये इंक्रीज़ होता जाएगा अगर हमने इस पर चेक नहीं लगाया। मेजर यूज़ मैंने जैसे आपको बताया कि लोग क्या खराबी कर रहे हैं यहाँ पे, कि हर तरह के लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को हम एग्रीकल्चर और फार्म लैंड के लिए कन्वर्ट करते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, एनिमल फीड के लिए, और 2050 तक और भी ज़्यादा खराबी हो जाएगी अगर चेक्स नहीं लगे। नए एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ग्लोबल फूड डिमांड को मीटअप करने के लिए। सो दिस इज़ एक्चुअली वर्सनिंग द केस, लैंड डिग्रेडेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। इंडिया का क्या रोल है UNCCD में, इंडिया ने इसको रैटिफाई किया था 1996 में ही, तो हमने बहुत जल्दी 1996 में ही इसको रैटिफाई, साइन करके रैटिफाई कर दिया। और नोडल मिनिस्ट्री जो इस कन्वेंशन के लिए इंडिया की कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जब भी हम इंडिया को किसी कन्वेंशन से लिंक करते हैं, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट आता है कि हमारी कौन सी मिनिस्ट्री उसकी देख रेख कर रही है। जैसे हमने GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था हमारी दो मिनिस्ट्रीज़ वहाँ पे इंक्लूडेड है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी और हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, कोई भी पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन होता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, लेकिन कोई भी ऑपरेशनल लेवल पे कुछ होता है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री करती है। तो यू शुड बी अवेयर about such things. So here you can see our environment, forest and climate change ministry is responsible. तो हम सीधा environment ministry नहीं बोलते, हमारा MEFC ऐसे लिखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया में भी एक्चुअली हमने इसको ज्वाइन किया बिकॉज इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डिजर्टिफिकेशन का। 2016 की इसरो रिपोर्ट हमको बताती है कि इंडिया में 29% लैंड, दिस इज़ ह्यूज, डिग्रेड हो चुका है। अब 14th कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ थी टू UNCCD इंडिया में हुई थी 2019 में, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसी ग्रेटर नोएडा में हुई थी और इसका थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन future. So now whatever convention we are reading, we are also connecting India to it, where India is actually a party to that convention or protocol. So that is important because that is also asked in the exam, and in case it is asked in the mains, you have to mention India. Okay. Now let me see question. Happy Navratri everyone. Thank you. नोडल मीन्स टॉप लेवल कि उस पर कौन डिसीजंस ले रहा है। जैसे हमारे टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में, तो नोडल एजेंसी जो उसको देख रही है दैट इज़ NTCA, ठीक है। टॉप कौन उस पर डिसीजंस ले रहा है, यहाँ पे कहाँ यूज़ हुआ वर्ड नोडल, हाँ नोडल मिनिस्ट्री मतलब जो उस पर डिसीजन ले सकती है, जो अथॉरिटी रखती है पूरी, ठीक है, टॉप लेवल पर जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे ये बता दूँ, इनकेस यू आर परचेजिंग अनअकैडमी कोर्स, आप हमारा कोर्स लेते हैं, पॉकेट्स पे बर्डन लगता है हमको एक बारी, आई टोटली अग्री, है ना, कि हम कैसे पैसे दें, घर वालों से कैसे मांगें। सो EMI इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आपको 0% EMI यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर आपके पॉकेट्स पे बर्डन ना पड़े। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी बेटर सोल्यूशन टू दिस। नाउ लुक एट दिस, अगर आप ऑप्शनल भी तैयार कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज उसके भी दीजिए, या आपको भी इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। Okay, now next is Rotterdam Convention. What is Rotterdam Convention? इसको Convention on the PIC भी बोलते हैं। Convention on PIC is Prior Informed Consent Procedure. ठीक, Rotterdam Convention is very important again, क्योंकि यहाँ पे हजार्डस केमिकल्स को लेकर बात होती है, हजार्डस पेस्टिसाइड्स को लेकर बात होती है, इंटरनेशनल ट्रेड। So this is रिलेटेड टू ट्रेड। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारे देश में नहीं हैं, हम उनको कहीं बाहर से इंपोर्ट करेंगे, बहुत सी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी, उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों में आपके हजार्डस केमिकल्स भी आते हैं। हजार्डस केमिकल्स हैं तो वो हजार्डस बट बहुत सी इंपॉर्टेंट जगहों पे यूज़ होते हैं, सो वी एक्चुअली नीड देम। अब ये जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में, इन पे रेगुलेशन, इनको रेगुलेट करने के लिए ये कन्वेंशन आपका रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो आया है। इसको अडॉप्ट किया गया था रॉटरडैम में, नीदरलैंड्स में 1998, और इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 24 फेब 2004। ये जो कन्वेंशन है इसमें वॉलंट्री PIC प्रोसीडियर है। PIC प्रोसीडियर में आगे आपको बताऊंगी। PIC इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि पहले ही किसी की कंसेंट होती है, सहमति ले लेना। तो वॉलंट्री PIC प्रोसीडियर है जिसको UNEP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, UNEP ने उसको इस्टेब्लिश किया था, और किसके साथ मिलकर, FAO के साथ मिलकर 1989 में, और 2006 में इसको एंड किया था PIC प्रोसीडियर। अब ये जो कन्वेंशंस हैं, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स that have been banned or severely restricted by parties for health and environmental reasons and have been notified for inclusion in the PIC procedure. तो इस तरह की कोई ट्रेड आप कर रहे हो जहाँ पे जिन केमिकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रोहिबिशन है, हमको पता है इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, तो उनको PIC प्रोसीडियर के लिए नोटिफाई किया जाता है। तो अगेन मल्टीलेटरल ट्रीटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको ध्यान से ट्रेड करना, ध्यान से इनकी मूवमेंट करवाना, और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना कि किस तरह के केमिकल्स आ रहे हैं. अब केमिकल्स जब भी आ रहे हैं पैक होके डब्बों में आ रहे हैं या व्हाटएवर द प्रोसीडियर इज़, आप उनको अच्छे से लेबल करें कि पता रहे कि इसके अंदर क्या है, कोई उसको यूं ही ना खोल दे. उसमें डायरेक्शंस रहें कि किस तरह से इनको हैंडल करना है, और परचेजर्स जो उनको ख़रीद रहे हैं उनको पता रहे कि कौन से केमिकल्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, बैंड हैं, किन केसेस में आप उनको यूज़ कर सकते हैं. तो अब जो पार्टीज़ जिन्होंने इसको साइन किया है वो डिसाइड कर सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं कि इसको अलाउ करना है, वेदर टू अलाउ और बैन द इम्पोर्टेशन, कि हम इम्पोर्ट करना बैन कर दें. अगर किसी देश ने बैन कर दिया तो उस देश की कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री उसको इम्पोर्ट नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो ट्रीटी में उन्होंने इस तरह की लिस्ट दे रखी है एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ को, कि आप देख लें कि जुरिस्डिक्शन किस देश में कोई हजार्डस केमिकल जो है वो बैंड है, वहाँ पे आप ना भेजें. तो इंडिया इज़ ऑल्सो पार्टी टू द कन्वेंशन, 161 अदर पार्टीज़ हैं. इसकी बैकग्राउंड क्या है कि केमिकल प्रोडक्शन और ट्रेड आप देखेंगे लास्ट 30 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और इन केमिकल्स के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के. ठीक है, अब जो देश जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इम्पोर्ट को कैसे हैंडल करें, केमिकल्स को कैसे यूज़ करें, और वो वल्नरेबल है, तो उन कंट्रीज़ को ध्यान से सोचना चाहिए. अब इन कंसर्न्स को लेकर मिड 1980s में यूएनईपी और एफएओ ने बोला कि हम यहाँ पे वॉलंटरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसको प्रमोट करेंगे. तो 85 में एफएओ ने आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ ये लेके आए, आपके लंदन गाइडलाइंस आए एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि एक्सचेंज कीजिए केमिकल्स की इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी जा रही है, क्योंकि हो सकता है ना कि कंट्री में तो बैन है लेकिन कोई पर्टिकुलर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो उसको इंपोर्ट कर ले, तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये रूल्स ये लेके आए. सो दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया 1989 में वॉलंटरी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीडियर्स के लिए. ठीक है, और ये लागू हुआ उसके बाद. तो उसके बाद जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं कि इन केमिकल्स का क्या रिस्क है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेती हैं कि फ्यूचर में हम इसको कब तक इंपोर्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे. क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि किस तरीके से ये PIC वॉलंटरी बेसिस पे आपका काम करेगा. तो आप देख सकते हैं इसको अडॉप्ट और ओपन फॉर सिग्नेचर 1998 में ही ये हो गया था. अब PIC प्रोसीडियर देख लो कि PIC प्रोसीडियर कैसे वर्क करता है. तो ये क्योंकि मेन क्लॉज है रॉटरडम कन्वेंशन का, इसमें बोलते हैं कि जो पार्टीज़ हैं उनके पास लीगली पूरे जो कागजात हैं वो तैयार होने चाहिए कि वो फ्यूचर में कितने शिपमेंट्स लेंगी, कौन से सब्सटेंसेस में लेंगी, कब तक उनको इम्पोर्ट करेंगी, और एक्सपोर्टिंग पार्टीज़ जो भी जजमेंट्स उस इम्पोर्ट्स पे उस देश की जो लीगल जुरिस्डिक्शन है उसको देख के ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी. तो ये पूरा मैकेनिज़्म है जो फॉर्मली एक देश से दूसरे देश के पास जाता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीडियर. 52 केमिकल्स को एनेक्शर 3 में डाला गया है रॉटरडम कन्वेंशन में कि उनको किस तरीके से ट्रेड करना है, और उनका बिल्कुल आपने PIC फॉलो करना है, ये मैकेनिज़्म जो है वो फॉलो करना है. सो These decisions are known as import responses. तो ये decision आपका import responses में आता है. So this is just for information कि किस तरह से काम करता है, क्या provisions हैं. इसमें industrial chemicals, insecticides भी आते हैं, even जो outlawed हैं या they are subject to rigorous regulations, बहुत tightly किसी देश में regulated हैं. इनको लेकर कोई भी concern अगर है तो उनको इनेक्शर 3rd में एग्रीमेंट के डाला जाता है. सो इनेक्शर 3rd में 52 केमिकल्स हैं, 35 पेस्टिसाइड्स हैं, जिसमें से 3 बहुत ही ज़्यादा हजार्डस पेस्टिसाइड्स इंक्लूड किए गए हैं, 16 इंडस्ट्रियल केमिकल्स इंक्लूड किए गए हैं. सो These provisions are there for Rotterdam Convention. Decision guidance document भी रहता है इनका, जो इनके डिसीजन लेने में हेल्प करता है. अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी ओपन हैं जिन कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है मेम्बर पार्टीज़ के पास, कि टू परमिट इम्पोर्ट, कि वो इम्पोर्ट को परमिशन दे सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस में इम्पोर्ट किया जाएगा, और जो नेशन इम्पोर्ट करेगा केमिकल्स को वो डिसीजन लेगा कि दैट डोंट हार्म इंटरनेशनल ट्रेड. तो वही कि इंटरनेशनल ट्रेड भी हार्म ना हो और किस तरह का डिसीजन लिया जाए. सो दिस इज़ रॉटरडम कन्वेंशन फॉर यू. नेक्स्ट इज़ स्टॉकहोम कन्वेंशन. ये लेक्चर, ये सीरीज़ जब शुरू हुई थी तो सबसे पहले हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था. So don't get confused between Stockholm Conference and Convention. Today we are reading about Stockholm Convention, not the declaration in the conference. Okay, this is different. So this convention, ये एक global treaty है, POPs को लेके आई थी. POPs क्या है आपके? Persistent organic pollutants, जो environment को, human health को harm करते हैं, उसके लिए उनको regulate करने के लिए Stockholm Convention आई थी. अब POPs जो है ना, इनका problem क्या है कि environment में लटके रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, और जोग्राफिकली हवा के साथ एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल इसलिए क्योंकि हमारे फैटी टिश्यूज़ पे ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ह्यूमंस के लिए एकदम जहरीले हैं, बहुत ज़्यादा. ग्लोबली सर्क्यूलेट हो रहे, एक देश में पीओपीज़ हैं तो दूसरे देश में भी शायद हवा विंड सिस्टम के साथ चले जाएँ, यू कैन नॉट से, एंड दे आर देयर इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग एयर में. सो दे कॉज डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. इसलिए इसको कन्वेंशन लेके आए कि एक बार कन्वेंशन आ जाएगी, फिर जो पार्टीज़, जो देश इसको साइन करेंगे वो मेजर्स लेंगे कि इनको कैसे रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, इन्वायरमेंट से कैसे हटाना है. 152 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को, एंड इट केम इनटू फोर्स 2004. सो रिलेटिवली न्यू 2004 में ही ये आपका कन्वेंशन इट केम इनटू फोर्स. तो यहाँ पे इस कन्वेंशन में डिसाइड किया गया नंबर 1 कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसके रिलीज़ को, कि जहाँ से ये एयर एटमॉस्फेयर में जाते हैं एट सोर्स इसको कट डाउन करेंगे, और एक इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, फिर इन पे एक्शन लिया जाए. और अल्टीमेटली इस कन्वेंशन का पॉइंट था फ्यूचर फ्री ऑफ पीओपीज़, कि फ्यूचर में हम पीओपीज़ को इस्तेमाल, जहाँ से पीओपीज़ रिलीज़ हो रहे हैं उन चीज़ों को यूज़ ना करें. इकोनॉमी जो हमारी डिपेंडेंट है इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स पे, हम कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढें कि हम किस पे डिपेंड करें. तो सी GEF हमने पढ़ा था इस लेक्चर में भी, और ये मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी डिटेल में GEF की इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में बात की थी. GEF को डेजिग्नेट किया गया है इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म, कि कोई भी कन्वेंशन आती है फंडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो GEF ही इसको, इसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स जो है वो देखता है. स्टॉकहोम कन्वेंशन परहैप्स आप इसको 5 इसके एम्स हैं जिनको अच्छे से आप समझ सकते हैं. पीओपीज़ जो है इनको एलिमिनेट करना है. शुरू के 12 जो सबसे ख़तरनाक है उनसे शुरू करो, पहले उनको एलिमिनेट करो. सपोर्ट द ट्रांजिशन टू सेफर ऑल्टरनेटिव्स, उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट ढूंढो, ऑल्टरनेटिव ढूंढो. टारगेट एडिशनल पीओपीज़ फॉर एक्शन, फिर जब ये 12 पे आपने रूल्स बना दिए कि कैसे कम करना है, जो बाकी के पीओपीज़ हैं उन पे एक्शन लो. स्टॉकपाइल्स इक्विपमेंट कंटेनिंग पीओपीज़, जो आपके पुरानी चीज़ें हैं जहाँ पे पता है कि पीओपीज़ यूज़ होंगे उनको क्लीन अप करो, और सब देश मिलकर अगर काम करेंगे सो वी कैन इंडीड हैव अ पीओपी फ्री फ्यूचर. सोनू येस आई हैव ऑलरेडी, एक मेरा प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, वहाँ पे आई हैव टेकन अराउंड 16-17 लेक्चर्स, वेरी बेसिक फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यू शुड वॉच दैट. और इस सीरीज़ में भी कन्वेंशंस में हम ऑलमोस्ट कन्वेंशंस अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपका काफ़ी पोर्शन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कवर होगा. अब UNIDO का यहाँ पे क्या असिस्टेंस है, ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को और उन इकोनॉमीज़ को जो ट्रांजिट, जिनमें ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन को अडॉप्ट करने के लिए. देखिए एक चीज़ को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना कि कोई भी देश जब उसको एक टारगेट पूरा करना है, हम उसको गलत नज़र से नहीं देख सकते. क्या यार ये देश देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कितने ज़्यादा पीओपीज़ यूज़ कर रहा है ना, स्पेशली द डेवलपिंग देश. हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? टेल मी, कभी सोचा है कि हम अगर कोई पीओपीज़ हमने डिसाइड कर लिया आज कि पीओपीज़ को कट डाउन करेंगे, एक डेवलपिंग देश के लिए ये करना बहुत मुश्किल है. वो कहाँ से ऑल्टरनेटिव लेके आएगा? उसकी इकोनॉमी को कितना लॉस हो जाएगा जब उसको एकदम शिफ्ट करना है. ऑलरेडी वो एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जिस पे उसका देश चल रहा है, सडनली ऐसा कोई कन्वेंशन आ गया कि भाई हटाओ इसको, हटाओ इसको, यूज़ नहीं करना है. कैसे करेगा? कहाँ से पैसे लाएगा? कहाँ से टेक्नोलॉजी लाएगा? तो उसके लिए बहुत मुश्किल है. ओके, इसलिए यहाँ पे रोल आता है UNIDO का. फुल फॉर्म बताइए मुझे इसकी, UNIDO की, कमेंट सेक्शन में गूगल कीजिए, कुछ भी करके बताइए. ठीक है, तो ये डेवलपिंग देशों को सपोर्ट करेगा जो इकोनॉमीज ट्रांजिशन में है, कि वो स्टॉकहोम कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये लीडिंग रोल निभाता है और यू नो इट दिस कन्वेंशन इज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 2001। तो ये बहुत सारे यूएनआईडीओ इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आया, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, गाइड किया कि किस तरह से क्या करो, इंडस्ट्री इनोवेशन कैसे हो ताकि ये टारगेट्स कंप्लीट किए जाएं। यस, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आप समझ गए ना यहाँ पे यूएनआईडीओ का क्या रोल है। सो किसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को बुरी नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो जल्द से जल्द अपना टारगेट मीटअप कर ले, क्योंकि हिस्ट्री मैंने आपको कितनी बार दिखाई, इन कंट्रीज़ ने, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने पोल्यूशन क्रिएट नहीं की। आज तो अर्थ का हालत हो रहा है, उन्होंने नहीं किया। डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दैट इज़ वाई वी हैव इक्वल बट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, येस, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। So UNIDO further works to develop new industries without POPs। ये नई इंडस्ट्री सेटअप करने में हेल्प करता है जहाँ पे POPs का इस्तेमाल ना हो, POPs का इस्तेमाल क्या, रिलीज़ ना हो, रिसाइकलिंग हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, और कैपेसिटी जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की किसी देश की, उसको सपोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली जितने भी पॉइंट्स ये लिखे हैं, इस पॉइंट में हम यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यूएनआईडीओ डेवलपिंग देशों की मदद करता है, जो भी पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन की उनकी मदद करता है कि पीओपी से छुटकारा कैसे पाया जाए। इस तरह की इंडस्ट्रीज सेटअप हों जहाँ पे पीओपीज रिलीज़ ना हों, पावर यूटिलिटीज़, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़, सबकी मदद करता है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। ओके, पीओपीज़ नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, क्योंकि इन्हीं कन्वेंशंस के आधार पे जो देश हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उन पॉलिसीज़ को सेटअप करने में हेल्प करता है। सो यू कैन राइट अ लॉट अबाउट दिस। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज इन एग्जाम इफ दे आस्क अबाउट GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये अलग है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको GCF बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना GEF और GCF में, इधर उधर मत लिख के आना। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, इसका एम है ह्यूमन एक्शन को इम्प्रूव करना क्लाइमेट चेंज की तरफ, क्योंकि ह्यूमन एक्शन ऑलरेडी हमें पता है कि ह्यूमंस की वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये रिस्पॉन्ड करेगा टू चेंज, किस तरह से हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। अगेन दिस इज़ अ फंड फंडिंग लो एमिशन क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट के लिए, प्लैनेट को बचाने के लिए उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलेगी जो लो एमिशंस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या क्लाइमेट को बचाने के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड को 194 कंट्रीज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2010, इसमें मेन काम यही है फाइनेंशियल मैकेनिज्म का। 22 बोर्ड मेंबर हैं इसके जो इसको गवर्न करते हैं, कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, गाइडेंस इसको जितनी भी आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वहाँ से इसको गाइडेंस मिलती है। सो आई विल जस्ट सिप वाटर, तब तक आप ये स्लाइड देखिए। GCF, GEF दोनों के बीच में एक एक डिफरेंस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। GEF एंड GCF। GEF में मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी, डिजर्टिफिकेशन, कौन कौन सी कन्वेंशंस को वहाँ से फंडिंग मिलती है। सो हियर देयर आर टू मेन थिंग्स, वन इज क्लाइमेट लो एमिशंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट, उसमें कुछ ज़्यादा थे। ठीक है, अब इसको UNFCCC ने क्रिएट किया। फंड का मेन यही है, क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये फंड लाया गया। लो एमिशन बताया मैंने आपको एक वर्ड, दूसरा वर्ड बताया क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी कहाँ पे हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहे हैं। सो पर्टिकुलर अटेंशन ये इन्हीं तरह के प्रोजेक्ट्स को देता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अफ्रीकन स्टेट्स को, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन GEF एंड GCF। नाउ नेक्स्ट इज द बॉर्न चैलेंज। व्हाट इज़ बॉर्न चैलेंज? बॉर्न चैलेंज एक ग्लोबल गोल है जहाँ पे हम एक इस तरह के लैंड की बात कर रहे हैं, कितना 150 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड खराब हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप, कि उनको हमको ठीक करना है। सो इट इज़ काइंड ऑफ चैलेंज कि एक पीस ऑफ लैंड है 115 नॉट पीस ऑफ लैंड इट्स ह्यूज 150 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेड हो चुका है, वहाँ से पेड़ कट चुके हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो चुका है, हम उसको रिस्टोर करना चाहते हैं बाय 2020। 2020 तो हो चुका 350 मिलियन हेक्टेयर्स, तो ये 150 मिलियन हेक्टेयर्स को 350 मिलियन हेक्टेयर्स इंक्रीज करेंगे बाय 2030। ये बॉर्न चैलेंज है हमारे लिए। इसको कौन लेके आया था? गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN 2011 में। तो ये जो चैलेंज है सरपास्ट 150 मिलियन हेक्टेयर माइलस्टोन फॉर प्लेजेस इन 2017, ये इन्होंने सरपास कर लिया था इसको 2017 में। तो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, तो मैं लैंड को रिस्टोर करना, दैट्स एज सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लैंड रिस्टोर होगा, वहाँ के इकोसिस्टम्स रिस्टोर होंगे, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनी रहेगी, ह्यूमन वेलबींग होगा, मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप्स हैं आपके, अलग अलग जगह काम आएंगे। सो FLR इज़ फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन क्या होता है, सो हेयर इज़ द डेफिनेशन, इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग, कि ये प्रोसेस चल रही है कि आपको रिस्टोर करना इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी ऑफ डिग्रेडेड लैंड। कि ये नहीं कि लैंड रिस्टोर हो गया, जब वो लैंड रिस्टोर कैसे होगा, जब वहाँ पे प्लांट्स ट्रीज फिर से ग्रो करने लगेंगे तो नए नए एनिमल स्पीशीज़ भी वहाँ पे आएंगे, तो उनका जो इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इकोलॉजिकल फंक्शंस हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़े थे ना, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं, वो सब फिर से इस्टेब्लिश होंगे, फूड चेन, फूड वेब्स, ऑल द एनर्जी फ्लो, ठीक है, लोग वहाँ पे रहेंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट स्पीशीज़, दैट इज़ FLR फॉर यू। अब हाउ द बॉर्न चैलेंज सपोर्ट्स FLR, सो सक्सेसफुल FLR इज़ फॉरवर्ड लुकिंग डायनेमिक, तो ये गवर्नमेंट्स को प्लेजेस लेने में हेल्प करता है, गोल सेट करने में हेल्प करता है, पॉलिसी सपोर्ट, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, ये सब बॉर्न चैलेंज हेल्प करता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लांटिंग ट्रीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे लगा दिए तो हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ इंट्रोड्यूस कीजिए, फॉरेस्ट को रीजनरेट कीजिए, इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स बनाइए, एग्रो फॉरेस्ट्री कीजिए, रिवर साइड प्लांटिंग्स कीजिए, सो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। आपकी इकोलॉजिकल चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा, डायमेंशंस का, सोशल डायमेंशंस का और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ का। तो इट्स नॉट द एंड FLR प्रोसेस, इसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहेंगे। सो एट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 पेरिस, इंडिया ने वॉलंटरीली बॉर्न चैलेंज का प्लेज ज्वाइन किया। हमने बोला कि हम 13 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको 2020 तक वापस से रिस्टोर करेंगे और एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर्स 2030 में। पायलट फेज प्रोजेक्ट में इनिशियल 3.5 ईयर्स में इसको 5 स्टेट्स में ही इम्प्लीमेंट किया गया, हरियाणा, MP, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कर्नाटका। देखिए सफिशिएंट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनामिक है, चेंज होता रहता है ना, और पेपर में भी अगर आप देखेंगे स्टैटिक के साथ साथ आपका करंट बहुत पूछा जाता है। तो सफिशिएंट कोई भी चीज़ इसमें नहीं हो सकती, आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है, अपडेट करते रहना है, बेसिक्स हो जाएंगे बट यू नो देयर इज मोर टू बेसिक्स। ओके, नेक्स्ट इज रामसार कन्वेंशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर UPSC ने सवाल पहले पूछे हैं, तो प्रॉबेबली कुछ साल पहले पूछे हैं, 1-2 साल ब्रेक देके वापस भी पूछे जा सकते हैं। रामसर कन्वेंशन किस पे है? वेटलैंड्स पे। रामसर इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ईरान की सिटी रामसर में इसको अडॉप्ट किया गया था 1971 में। इट केम इनटू फोर्स इन 1975, 1971 में किया गया, 1975 में फोर्स में आई। वेटलैंड्स क्या है पहली बात तो बताइए। ये तो मैंने इस पर इतने सारे लेक्चर्स बनाए ना कि रामसर कन्वेंशंस तो मैं ऐसे ही याद हो गया इसका सब कुछ। सो व्हाट आर वेटलैंड्स? वेटलैंड्स आर द प्लेसेस, ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन एक्वाटिक एंड आपका लैंड इकोसिस्टम्स। और वेटलैंड वो एरिया जहाँ पे पानी पूरे साल या सीजनली वो पानी से भरा रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, शैलो वाटर। सो लाइक आपके स्वैम्पी एरियाज, मार्शी एरियाज आते हैं, बट स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज ऑल्सो डिफरेंट। स्वैम्पी और मार्शी एक दूसरे से डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ वेजिटेशन। मार्शी एरियाज में यू हैव सॉफ्ट वेजिटेशन, हर्बेशियस प्लांट्स, स्वैम्पी एरियाज में यू हैव बिग ट्रीज, ठीक है, बट दे ऑल कम इन वेटलैंड्स या ट्रांजिशन जोन्स। यस आकाश। सो ये रामसार कन्वेंशन आपकी आती है कि हमको वेटलैंड्स को बचाना है। वेटलैंड्स को क्यों बचाना है? क्योंकि वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स इस पे डिपेंड करते हैं, इनको हमको बचाना है। तो जब से ये आया 90% यूनाइटेड नेशंस मेम्बर्स ने इसको एक्सीड किया, कंट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं। आज इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं, राइट। अभी पीछे हमारा 75 ईयर्स हमने इंडिपेंडेंस के कम्प्लीट किए, हमारी रामसर साइट्स भी इन्होंने 75 इंक्रीज़ कर दी, टोटल 75 है। तो कन्वेंशन यूजेस ब्रॉड डेफिनेशन वेटलैंड्स में आपकी रामसर वाला बोलता है कि लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्विफर्स, स्वैम्प, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड्स, पीटलैंड्स, ओएसिस, एस्चुरीज, तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे वेटलैंड में इन्होंने कंसीडर किया हुआ है। मेजर पिलर्स इस ट्रीटी के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के लिए क्या हैं कि आपको वेटलैंड्स का वाइज यूज़ करना है। मेन्स में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय वाइज यूज़ ऑफ देयर वेटलैंड्स। दैट मीन्स ऑब्वियसली द सस्टेनेबल यूज़, कि आप यूज़ कीजिए बट इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आप उनको एक्सप्लॉइट ना करें, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहे। आप अभी उसको इतना यूज़ करें कि वो खुद को रिप्लेनिश कर सके, रीजनरेट कर सके। तो ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आया है। डेजिग्नेटेड सूटेबल वेटलैंड्स जो हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको रामसर लिस्ट में डाला जाता है, क्योंकि जब हम उसको रामसर लिस्ट में किसी वेटलैंड को डाल देते हैं तो उसका मतलब उसका ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा, कंजर्वेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरनेशनली ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स और क्रिएट वेटलैंड रिजर्व्स, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को ये सब काम करना होता है। तो रामसर कन्वेंशन 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं, जिनके साथ मिलके काम करता है। यू हैव बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF, इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ओके, ये ज़रूर नाम याद रखना। इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट कि रामसर कन्वेंशन किन 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोजली काम करती है। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब से मैं कन्वेंशंस ये 3 लेक्चर्स में ले रही हूँ तो मैंने आपको हर बार बताया, हमने अभी स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लेकर। इससे पहले हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पढ़ी थी, है ना। उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1971 में हुई थी शायद, वो कब हुई थी, 68 के बाद ना, तो एक बार चेक कर लेना डेट। उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की वजह से आपका UNEP का जन्म हुआ था। तो डिफरेंस है स्टॉकहोम कन्वेंशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे बीच में। इसी तरह से ये मॉन्ट्रे रिकॉर्ड है, एक आपका मॉन्ट्रे कन्वेंशन भी है। तो ऐसा ना हो कि पेपर में कन्वेंशन आया हो और आप रिकॉर्ड के बारे में लिख के हैं, तो ये ध्यान रखना। जिस तरह से हमने वायना कन्वेंशन पढ़ी, तो वैसे ही वायना ट्रीटी लॉ वायना लॉ ऑन ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज़ वो अलग है, तो वहाँ पे वायना कन्वेंशन के बारे में लिख के आए। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, दैट इज़ वाई आई मैंशन अगेन एंड अगेन व्हेन वी रीड such particular convention. So today in this slide we are reading about Montreux Record, which is related to the wetlands and the Ramsar sites. Montreux Convention is something different. So Montreux Record, what is Montreux Record? यहाँ पे एक list बनाई गई है उन wetlands की, उन रामसर sites की जो थोड़ा degrade हो गया, उनका the word is ecological character, उनका ecological character खराब हो गया है, degrade हो गए हैं। किस वजह से? ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। वो वेटलैंड्स का अलग रिकॉर्ड है, अलग लिस्ट है जो मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में आती हैं। इंडिया में 2 हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सवाल पेपर में आने के लिए कि इंडिया की कौन से 2 वेटलैंड्स मॉन्ट्रे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रामसर साइट, एंड लोकटक लेक मणिपुर। चिलिका लेक को भी इस रिकॉर्ड में डाला गया था, बट लेटर इट इम्प्रूव्ड इन इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर, उसको रिकवर कर लिया गया और वहाँ से हटा दिया गया। तो मॉन्ट्रे रिकॉर्ड इज दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस, 1972। ओके, सो we read about Ramsar sites, about wetlands. India has 75 wetlands. नाम आने चाहिए, मैप बेस्ड स्टडी कीजिए तो याद हो जाएगा। दिस इज़ मिनीमाता कन्वेंशन। व्हाट इज़ मिनीमाता कन्वेंशन? मरकरी से रिलेटेड एक ग्लोबल ट्रीटी, ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए। मरकरी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो फिफ्थ सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में दिस मिनीमाता कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स अगस्त 2017. ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी का क्या लाइफ साइकिल है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं पार्टीज़ के कि मरकरी का कैसे यूज़ होगा, किस तरह से मरकरी को स्टोर किया जाएगा, डिस्पोज, क्योंकि मेन चीज़ इस तरह से मरकरी से रिलेटेड क्या आती है, स्टोर कैसे किया जाएगा, स्टोरेज और उसका डिस्पोजल. कि ऐसा नहीं है ना कि पानी में फेंक दिया मरकरी जाके और लोग वही पानी पी रहे हैं. इस तरह का इंसिडेंट एक जगह हुआ था, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कहाँ पे. तो ये कन्वेंशन स्टोरेज और डिस्पोजल की बात करती है कि वेस्ट पे या कंटामिनेशन जो मरकरी से हो उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कि उसको कैसे रोकना है. 140 कंट्रीज जिसमें कि इंडिया भी है, हमने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है. मेक मरकरी हिस्ट्री, इस तरह से आप देख सकते हैं. फ्यूचर वी वांट मिनीमाता कन्वेंशन, ये भी एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट अग्रीमेंट है, वर्ल्ड का यंगेस्ट आप कह सकते हैं. और यहाँ पे स्टोरेज और डिस्पोजल पे इसकी बात की गई है कि किस तरह से इसको करना है हमने पूरा. सो दिस इज़ द होल टाइमलाइन कि 2013 में क्या हुआ, 2016 में इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में क्या हुआ, एमिशंस, एयर एमिशंस की बात की गई. फिर 17 में आपकी मिनामाता कन्वेंशन जो है एंटर्स इनटू फोर्स 16 अगस्त. फिर यहाँ पे इट इज़ नेम्ड मिनीमाता बे जापान टू कीप इन माइंड द लेसन्स ऑफ ट्रैजिक हेल्थ डैमेज, क्योंकि मरकरी से काफ़ी लोगों की जान इस एरिया में गई थी, इसलिए इसको याद रखते हुए हमने इसका नाम मिनीमाता बे रखा. So this is about Minamata Convention. So today we have 135 parties to it. 2020 में अब next होगा इसका in person segment बाली इंडोनेशिया में. यहाँ पे various other indicators की बात की गई. 2025 में आप देख सकते हैं deadline for phasing out mercury cell chore alkali production. तो mercury किन किन चीज़ों में है, धीरे धीरे उनको भी phase out करें. और mercury mining पे बात करेंगे 2030 में जाके. प्रोड्यूसिंग पार्टीज़ जो भी मरकरी को माइन कर रही हैं. सो मिनीमाता कन्वेंशन अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे यहाँ पे होती गई. जैसे 18 में बोला फेस आउट करेंगे एसिड अल्डिहाइड प्रोडक्शन जहाँ पे मरकरी यूज़ होता है, 2018 में ये बात की गई. 19 में बात की गई कि मैनेजमेंट कंटामिनेटेड साइट्स का कैसे करना है. 20 में जो एडेड प्रोडक्ट्स हैं, मरकरी एडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैम्प, बैटरीज, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिस्ट किया गया कि फेस आउट करेंगे उनका मैन्युफैक्चरिंग. तो मरकरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें हैं, उन पे धीरे धीरे उनको फेस आउट करने की बात जो है मिनीमाता कन्वेंशन में होती है. तो पूरा टाइमलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 2030 से 2032 का दिया हुआ है. PDF यू विल गेट इन माय टेलीग्राम चैनल. सो नेक्स्ट इज योर नागोया प्रोटोकॉल. सो व्हाट इज नागोया प्रोटोकॉल? ये प्रोटोकॉल है जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड. जेनेटिक रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? जेनेटिक रिसोर्सेज में आपके आ गए प्लांट्स के टाइप्स, प्लांट स्पीशीज, योर एनिमल ब्रीड्स, योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग थिंग्स जिनके जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट हैं, DNA इंपॉर्टेंट है, RNA इंपॉर्टेंट है. तो उनके एक्सेस के लिए नागोया प्रोटोकॉल लाया गया ताकि सबको बेनिफिट मिले फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू CBD. नागोया प्रोटोकॉल आप अगर देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान में रखा गया, कमर्शियल बिजनेस साइड और रिसर्च, क्योंकि जेनेटिक रिसोर्सेज से बिजनेस साइड और रिसर्च का यूज़, जेनेटिक रिसोर्सेज का या तो कमर्शियली यूज़ होगा या फिर रिसर्च यूटिलाइजेशन होगी. तो दोनों को देखा गया कि बेनिफिट हर किसी को उसका मिले, पूरी कम्युनिटी को मिले. तो 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया आइची प्रोविंस जापान में, और इट केम इनटू फोर्स इन 2014 जिसको हम बायोडाइवर्सिटी एकॉर्ड भी बोलते हैं. इनका स्ट्रैटेजिक प्लान बना जिसमें 20 टारगेट डिसाइड किए गए नागोया प्रोटोकॉल में. ये 20 टारगेट को हम आइची टारगेट्स कहते हैं. नागोया प्रोटोकॉल्स में 3 इंटरलिंक्ड गोल्स हैं. तो इस नागोया प्रोटोकॉल के गोल्स क्या हैं? 10 साल का ऐसा प्लान अडॉप्ट किया जाए जो गाइड करे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे सेफगार्ड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली योर बायोडाइवर्सिटी इज़ योर जेनेटिक रिसोर्सेज. दिस इज़ वेयर फ्रॉम योर जेनेटिक रिसोर्सेज कम. तो CBD ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करना है, स्ट्रैटेजी कि इन रिसोर्सेज को कैसे मूव करवाना है करंट लेवल से अपनी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हुए, और जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग हर पार्टी को हो। तो फिर इनके आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स आए, स्ट्रैटेजिक गोल्स आए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस बचाने के लिए ये आया बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस योर गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट सोसाइटीज़, कि बायोडाइवर्सिटी पे प्रेशर जो है वो कम हो जाए, सस्टेनेबल यूज़ हो बायोडाइवर्सिटी का, इकोसिस्टम्स को सेफगार्ड करें, क्योंकि इकोसिस्टम को बचा पाएंगे तभी वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको बचा पाएंगे। तो बेनिफिट जो बायोडाइवर्सिटी से मिले, रिसर्च से या कमर्शियल, वो सबको मिले, जिसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। फिर दैट्स गोल ई इज़ अबाउट प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस। तो ये आपके आईची बायोडाइवर्सिटी जो है टारगेट्स हैं। तो दैट इज़ इट, आज हम इतने ही करते हैं, कल हम कुछ और नए कन्वेंशंस लेके आएंगे। डाउट दरबार आपका चल रहा है 29 तक, सो डू पार्टिसिपेट। दिस इज़ माई कोड VIROUPSC। अगर आप मेरे से चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं कोर्स लेते हुए, आप ये कोड लगाए हैं, लेट मी नो। एंड दिस इज़ माई दिस टेलीग्राम चैनल इज VERONICA_UPSC, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम हियर। अच्छा रेनू का कल का PDF ओके, बिकॉज आफ्टर दिस क्लास आई टोटली क्लोज माई लैपटॉप एंड सिस्टम। सो वट आई डू, आई अपलोड टुडे, ठीक है, अपलोड कर देती हूँ जितने भी पीछे वाले रहते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तो आई थिंक मैंने सारे डाल दिए थे, अब ये कन्वेंशंस वाले डालने बाकी रह गए हैं। You have any questions regarding preparation or anything related to environment and ecology? Ask me. I'm here for 2 more minutes. Anything, anyone? I'm thinking to hold a dual educator session on special class tomorrow in Academy की app में, निधि मैम के साथ जो पॉलिटी पढ़ाती हैं। आई एम थिंकिंग कि एक बार GS3 का पेपर जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस इस बार मेंस में आए थे उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और स्पेशल क्लास का ये फ़ायदा रहता है कि आपके डाउट्स वहाँ पे बहुत इजीली हम ले सकते हैं, है ना। सो 1-1.5 घंटे का क्लास करते हैं GS3, पूरा पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे आंसर राइटिंग बताऊँगी, एक्चुअली आंसर राइटिंग बताऊँगी, नॉट द बिग ज्ञान की कैसे, क्योंकि जब आपसे 150 या 250 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखना है उस क्वेश्चन को, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये सब मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। स्केड्यूल करके सेशन में आई पुट इट अपडेट यू गाइज ऑन माय टेलीग्राम, ठीक है। तो कल आई थिंक 12-12:30 बजे रखते हैं कल सेशन, सो डू ज्वाइन अप टू कम देयर, ताकि आपके डाउट्स वहाँ पर और क्लियरली हम ले पाएंगे, ठीक है। चलिए गाइज, टेक केयर।